नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले सबसे जरूरी और अहम बात, मास्क। मेरी और मैं और मेरी पूरी टीम यानी अनादि की पूरी टीम कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रही है, मास्क के साथ हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी से जरूरी और कुछ भी नहीं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो पांच तस्वीरें आप देख लीजिए जिसको लेकर हम आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो पांच तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहले बात होगी दमोह उपचुनाव की, जहां भाजपा ने मलैया कार्ड खेल दिया है। दूसरी खबर में बात करेंगे एमपी में तेजी से फैल रहे कोरोना की। तीसरी खबर में बताएंगे कि कैसे दमोह के लोगों ने मिसाल पेश कर खुद को ही लॉकडाउन कर लिया है। चौथी खबर बालाघाट से, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने कई दुकानों को सील कर दिया। पांचवी और आखिरी खबर छात्रों को लेकर है, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया गया है। तो भाजपा ने फिर अपने अंदाज में दमोह उपचुनाव की हवा बदलने की कोशिश तेज कर दी है। चुनाव से ठीक पांच दिन पहले वहां जयंत बलिया कार्ड खेला गया है, जिनसे भीतरघात का डर था, अब पार्टी ने उन्हें जीत के लिए खेवनहार मानकर जवाबदारी सौंप दी है। जयंत मलैया को दौरों और सभाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा दी गई है। उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को दमोह शहर का पूरा प्रभार सौंप दिया गया है। उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव बन गया है। उधर कांग्रेस ने कथावाचक रामसिया भारती को उतारा है, राम नाम के जरिए वोटर्स के बीच पहुंचने की प्लानिंग है। पूर्व मंत्री पिता जयंत मलैया और बेटे सिद्धार्थ मलैया का वीडियो जारी कराया जा रहा है, मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट मांगा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को पहले से ही उतारा जा चुका है, लेकिन अब जयंत मलैया परिवार को आगे किया गया है। भाजपा मतदाताओं को यह साफ मैसेज देना चाहती है कि मलैया परिवार भाजपा के साथ है। पार्टी की जीत दिलाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए मैदान में यह परिवार खड़ा हुआ है। उपचुनाव में पूर्व मंत्री जयंत मलैया टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए राहुल सिंह को मैदान में उतारा, उन पर भरोसा जताया। इसी के चलते जयंत मलैया के समर्थकों में नाराजगी थी, ये भीतरघात में बदल सकती थी। यहां 17 अप्रैल को मतदान होना है, इसके पहले पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जुटी हुई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कांग्रेस हो या भाजपा, मतदान की तारीख नजदीक आते देख अब समाजों को साधने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग समाजों को अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले नेता समाजों की बैठकें बुलाकर उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। वहीं स्टार प्रचारक कद्दावर नेता ने जयंत मलैया के सभाएं कराई जा रही हैं, क्योंकि दमोह विधानसभा क्षेत्र उनका गढ़ है, उनका दबदबा है। और अब जो मलैया कार्ड खेला गया है उसको लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कितना फायदेमंद साबित होगा, कितना फायदे का सौदा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, खेल दिया गया है मलैया कार्ड, अच्छे से साधना जानती है भारतीय जनता पार्टी कैसे उसे अपने कार्यकर्ताओं को संजो कर रखना है, या फिर जो भी कोई हाथ से छूट रहा है उसे कैसे वापस पकड़कर ट्रेन में बिठाना है, ये तमाम कवायदे बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को पता है। और शायद यही कुछ कोशिश दमोह में भी की गई है। एंड पांच दिन पहले मलैया को आगे रखकर ये कोशिश की जा रही है कि भीतरघात को भी काबू में कर लिया जाए और जो मलैया का कुनबा वहां पर जमा हुआ है, जो वोटर्स हैं उन्हें भी अपने पक्ष में किया जाए, और जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं यानी जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाकर तो खासतौर पर सभाएं हो ही रही हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पालू, देखिए सबसे पहले बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत की थी, क्योंकि जब राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया था तभी ये सबको पता था, जयंत मलैया को भी पता था और उनके बेटे सिद्धार्थ को भी, कि टिकट राहुल को ही मिलना है। बीजेपी ने जैसे अनाउंस किया तो इसके बाद जयंत मलैया ने अपनी नाराजगी दिखाई, क्योंकि उनको ये पता है कि उनका जो सियासी कैरियर है वो लगभग समाप्ति की ओर है। हो सकता है अगली बार उनको टिकट मिले, चुनाव जीते हारे, लेकिन उसके बाद उनके लिए रास्ता बंद है। उनको अपने बेटे सिद्धार्थ की सियासी भविष्य की चिंता थी, इसलिए सिद्धार्थ ने भी पहले अपने तीखे तेवर दिखाए, बाद में बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको मनाया, और बीच में फिर खबरें आई कि सुधा मलैया, जो कि जयंत मलैया की पत्नी, अचानक उनको खबरें आई कि उनको कोरोना हुआ है, और जयंत मलैया ने खुद को क्वारंटाइन करके एक मैसेज देने की कोशिश की कि उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। अंदर खाने चर्चा हुई और अब यह तय किया गया कि जयंत मलैया को कमान सौंप दी जाए, उनको एक हेलीकॉप्टर बीजेपी ने दे दिया कि वो जब मर्जी जहां उड़े, जिस गांव में उनको प्रचार करना वहां वो जाएं, और सिद्धार्थ को पूरे शहरी क्षेत्र की कमान सौंप दी गई है, क्योंकि युवाओं में उनकी अच्छी पेट है और जो पुराने खाटी कार्यकर्ता है बीजेपी के
जो दशकों से जुड़े हुए बीजेपी के साथ, वो जयंत मलैया के प्रभाव में थे, क्योंकि 7 बार से विधायक के जयंत मलैया लंबे समय तक मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे हैं, तो उनका जो गणित था उसको बीजेपी ने पहले भांप लिया और डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज कर दी। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि अजय टंडन अकेले पड़े हुए, बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभाले हैं, कल कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दमोह में लगभग कह सकते हैं कि आमने सामने होंगे, बीडी शर्मा का वहीं पिछले 8 दिन से डेरा डाले, गोपाल भार्गव भूपेंद्र सिंह, ये 2 ऐसे मंत्री हैं जिनकी ड्यूटी इस चुनाव में लगाई गई है, इन दोनों की साख का सवाल भी, और खासतौर से शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्योंकि पिछला जो उपचुनाव हुआ था वो नाराजगी के मद्देनजर हुआ था और कहा ही गया था कि बीजेपी में जो सरकार बनी है इन बागियों के कारण बनी और एक सिंपैथी थी, लेकिन अब का जो जनादेश है वो कह सकते हैं कि अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो इसका ठीकरा पूरा पूरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फूटेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये 1 साल का जो उनका कार्यकाल है उसको लेकर जनादेश है, और कोरोना के कारण जो स्थितियां और देश भर में जो स्थिति और प्रदेश की जो स्थिति है, इन सबके बीच बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये भी होगी कि वो वोटरों को खींचकर मतदान केंद्रों तक लाए, क्योंकि दमोह के जो आंकड़े हैं पूरे प्रदेश के वो डराने लगे हैं, पूरे मध्यप्रदेश भोपाल इंदौर या तमाम शहरों की बात करें तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और इसके उलट दमोह में रैलियां हो रही हैं, लॉकडाउन नहीं लगाया है, कर्फ्यू नहीं लगाया है, किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के रथ घूम रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप कोरोना से मत डरिए, वोटिंग करिए, तो इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी के सामने वह बड़ी चुनौती, और पहली लड़ाई में हो सकता है हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने बाजी मार ली और जयंत मलैया को उन्होंने अपनी पूरी कमान सौंप दी है। पर बिल्कुल मनोज जी, अब सिद्धार्थ मलैया और जयंत मलैया को आगे रखकर जिस तरह से तैयारी है कि हम साध लेंगे, जो भी भीतरघात की संभावनाएं हैं उन पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं काबू पाने की कोशिश की है, कितना कामयाब ये जो मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई है, इस उपचुनाव में पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक से कितना फर्क पड़ता है आपको लगता है, कि जो समर्थकों में पहले इन्होंने क्वारंटीन होके और दूरियां बनाकर मंचों से जो मैसेज दिया वो दोबारा एक जो पॉजिटिव मैसेज में के रूप में जाएगा जब ये मंच पर दिखाई देंगे या सभाओं में शामिल होकर दिखाई दे रहे हैं? देखिए जयंत मलैया वरुण पिछले 4 दशक से बीजेपी से जुड़े, उनको ये पता है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कि लीडर के पीछे कैडर नहीं जाता जैसा कांग्रेस में होता है, उनके सामने उसी क्षेत्र में उदाहरण है कि रामकृष्ण कुसमारिया सांसद रहे, मंत्री रहे, लंबे समय तक विधानसभा में भी रहे, और जब उन्होंने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा दमों से, 1200 वोट उनको बामुश्किल मिल पाए, वो भी उनमें बड़ी संख्या उनकी जो कुर्मी समाज के वोटर थे उनकी थी, वो जयंत मलैया की हार का कारण जरूर बने, लेकिन इतने कद्दावर नेता को 1000 वोट मिलते हैं तो वो इनको ये पता चल गया कि उनकी सियासी हैसियत क्या है। अब दूसरा उदाहरण उपचुनाव हम सांची का देखते हैं कि जहां पर हमने देखा कि गौरी शंकर सेजवार और उनके बेटे मुदित सेजवार नाराजगी दिखाई, बीजेपी ने वो सीट 60,000 वोटों के अंतर से जीती, जो कि कभी बीजेपी ने उस सीट को इतने लंबे अंतर से कभी जीता नहीं था, तो ऐसे चंद उदाहरण उनके सामने भी हैं जयंत मलैया के, तो उनको ये पता था, तो केवल ये हो सकता है कि उन्होंने अपने बेटे के सियासी भविष्य की चिंता के लिए थोड़ी नाराजगी जताई, और उनको ये पता था कि बीजेपी के तमाम नेता उनको मनाएंगे तो कुछ ना कुछ सौदेबाजी जरूर हुई है। हो सकता है कि हम देखें कि उपचुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के फेवर में रहे तो आने वाले कुछ महीनों में हम देख सकते हैं कि सिद्धार्थ मलैया को कोई ना कोई पार्टी में या तो पद मिल सकता है या किसी निगम मंडल में उनको नवाजा जा सकता है। पर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो किसी न किसी तरह से कुछ तो अंदर खाने रणनीति बनी ही होगी, जिसके बाद मलैया साहब और देखिए किस तरह से अब आगे वो दिखाई भी दे रहे हैं, और उन्हें सता ही रहा होगा कि उनके पुत्र का भविष्य आगे भारतीय जनता पार्टी में उन्हें देखना है, तो कदम ताल करनी ही पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बाद भी कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, हालात तो ये हो गए हैं कि इंदौर भोपाल जबलपुर और ग्वालियर में शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, चिताएं ठंडी होने से पहले ही दूसरे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, 24 घंटे में यहाँ 1.5 गुना ज्यादा मरीज मिले हैं, इन चार बड़े शहरों में 4,136 नए केस और 21 मौतें हुई, इंदौर में सबसे ज्यादा 1,552 संक्रमित आए हैं, 6 मौतें हुई हैं, भोपाल में 1,456 नए केस और 5 मौतें हुई हैं, ग्वालियर में 576 संक्रमित मिले हैं, 6 की जान गई है, जबलपुर में 552 नए मरीज आए हैं, 4 की मौत हो चुकी है, ग्वालियर में सबसे ज्यादा संक्रमण दर 33% और भोपाल में 28% है, जबलपुर के चौहानी शमशान घाट में सोमवार को 30 कोरोना संक्रमितों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि प्रशासन के रिकॉर्ड में कुल 2 दिन में 8 मौतें होना बताया गया, 2 सस्पेक्टेड शवों का अंतिम संस्कार किया गया,
कई शवों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में रोकना पड़ा। यह स्थिति भोपाल के भदभदा विश्राम घाट की है। यहां सोमवार को 41 कोरोना संक्रमितों के शव पहुंचे, जलाने के लिए जगह नहीं थी। जलती चिताओं के बीच बेहद नजदीक दूसरी चिताएं सजाई जा रही थी। इंदौर के 5 शमशान घाटों में 12 दिन में 990 अंतिम संस्कार किए गए, जिसमें 319 कोरोना संक्रमितों के शव थे। यहां भी अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कराया जा रहा है। कोरोना खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए सरकार तमाम तरह के सख्त कदम उठा रही है। कई जिलों में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया। राजधानी भोपाल में भी 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में है, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ये फेल साबित हो रहा है। कोरोना संकट बढ़ता देख सरकार ने सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश भी रद्द कर दिए हैं। तो शव इतने हो रहे हैं, इतने सामने आ रहे हैं कि शमशान घाटों पर जगह नहीं है। जलती चिताओं को ठंडा भी नहीं होने दिया जा रहा है और दूसरी चिताओं की तैयारियां हो रही हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि मौतों का आंकड़ा किस हद तक आगे बढ़ चुका है। ये संक्रमण जो है, ये पैंडेमिक जो है, इतना खतरनाक रूप लेकर उस वक्त सामने आई है, जिसके बाद सभी जगह त्राही त्राही है। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस में मौत की तस्वीर भी आपको झकझोर देने वाली थी। और अब जो आंकड़े बताए जा रहे हैं अलग अलग जगहों के, कि सिर्फ भोपाल का ही हाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों को आप देख लीजिए, सभी जगह स्थिति यही बन रही है। इसलिए अभी भी सतर्क नहीं हुए तो न जाने कहां पहुंचेंगे। चलिए वैभव गुप्ता और जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो सत्य है जो बताया जा रहा है, उसके पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन यह भी सच है जितनी मौतें बताई जा रही उससे कहीं ज्यादा है। कई बार यह भी बताया जा रहा है कि शमशान घाट पर चले जाइए तो वेटिंग लिस्ट है, लंबी लंबी कतारें हैं, कईयों की गाड़ियां ही हॉस्पिटल में रोक दी गई हैं, ये बताते हुए कि अभी जगह नहीं है। हालात बेकाबू, लेकिन उसके बाद भी अगर जनता नहीं सुधरी तो शायद बहुत देर हो जाएगी और ऐसा ना हो कि परिवारों के परिवार ही बाहर आने लगे। बिल्कुल, जब परिवारों के परिवार ही कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं तो जो मौतों का आंकड़ा है वो कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है, क्योंकि जो रोज शाम को स्टेट हेल्थ बुलेटिन जारी होता है कोरोना संक्रमण को लेकर, उसको देखा जाए तो जो मौतों का आंकड़ा है वो बेहद कम है पावल जी। लेकिन जब शमशान घाट के हम आंकड़ों का जिक्र करते हैं, शमशान घाट का जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसकी बात करें, तो वहां मौतों का एक आंकड़ा जो होता है एकदम से कुछ और ही तस्वीर। वैभव आपकी आवाज अब तक नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करें। देखिए एमपी में जो कोरोना है वो बेकाबू हो रहा है, अंतिम संस्कार के लिए लोगों को कतारों में लगना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, वेटिंग लिस्ट है। और दूसरे राज्यों में भी कुछ यही हाल है, एमपी में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी। आप लखनऊ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ पर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। शमशान घाटों में कतारें लगी हुई हैं, वेटिंग लिस्ट चल रही है और एक चिता ठंडी भी नहीं होती कि दूसरी चिता की तैयारी हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए किस हद तक आगे कोरोना बढ़ चुका है और ये डराने वाले आंकड़े हर जगह से। वैभव आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वैभव आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। वैभव बिल्कुल पाल जी, जो तस्वीरें आ रही हैं शमशान घाट से, जो आंकड़े पता चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर जो हालात हैं वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो चुके हैं और अब केवल जनता ही है जो इस कोरोना कर्फ्यू, क्योंकि लड़ना तो है आपको, अगर कोरोना संक्रमण से लड़ना है तो सरकारों का आपको साथ देना होगा। आप अपने घरों में रहिए तभी आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर हालात बिल्कुल अनकंट्रोल हो चुके हैं। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अदानी टीवी ने भी जो पड़ताल की थी उसमें स्पष्ट तौर पर समझ में आया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तो जिस हालात में रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसको जीवन रक्षक इंजेक्शन भी कहा जाता है, वो तक नहीं पहुंच रहा है, तो सरकार कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, प्रभार दे दिए गए हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, लेकिन केवल जिला प्रशासन सरकार अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा लगता है जो तस्वीरें हैं, जो आंकड़े की जो सिचुएशन है वो सरकार के हाथों से निकल चुकी है। जनता को ही समझदारी दिखाकर इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। ना केवल मध्य प्रदेश की बात हो रही है, पूरे देश भर में इस तरह के हालात हो गए हैं कि जल्दी ऐसी भी खबरें आ रही है कि जिस तरीके से पहले पीएम मोदी ने सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लिया था, वो खुद ही सभी चीजों को मॉनिटर करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो जल्द ही खुद पीएम एक बार फिर से सारी चीजों को अपने हाथ में लेंगे और लॉकडाउन के जो नियम है या फिर कोरोना कर्फ्यू जिसको नाम ही बदला गया है, चीजें एक जैसी है, क्योंकि लॉकडाउन से लोगों के बीच में पैनिक हो जाता था, पिछले साल जैसी सिचुएशन आ जाती थी कि सड़कों पर। संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी वैभव, सड़कों पर आप भी जा रहे हैं, हम भी घरों से होकर निकल कर दफ्तर आ रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि कर्फ्यू है या लॉकडाउन जैसी स्थिति है जितनी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं?
जब पिछले साल की हम बात करें, जब लॉकडाउन लगा था तो सड़कों पर सुनसान था, केवल कुत्ते ही सड़कों पर घूम रहे थे, इंसान नहीं घूम रहे थे और गाड़ियां नहीं चल रही होती। लेकिन फिलहाल की मैं बात करूं तो इस वक्त मैं रोशनपुरा चौराहे पर मौजूद हूं, यहां से गाड़ियां गुजर रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गाड़ियां नहीं गुजर रही, लोग बाइक पर जा रहे हैं, लोग कारों पर जा रहे हैं, और अभी भी कुछ लोग लापरवाह हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। असामाजिक तत्व दूसरों की सुरक्षा पर खतरा जरूर बन रहे हैं और बनते ही जाएंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार ने कर्फ्यू लगाया लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो कर्फ्यू है, शहर लॉक है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो खुद तो कोरोना घर लेकर जाएंगे ही, लेकिन उसके बीच न जाने कितनों को वही सब बांटते हुए जाएंगे। और ऐसे लोगों को बस यही कहा जा सकता है कि सरकार इन्हीं लोगों पर जो खासतौर पर बेफिजूल तफरी कर रहे हैं बाहर शहर में, इन पर सख्ती करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोरोना को लेकर शहर शहर में स्थिति बेकाबू है, लोग घरों में हैं, लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ तफरी के ही लिए बाहर हैं, उनसे निवेदन कि घरों में जाइए, घरों में सुरक्षित रहिए, आप घर में रहेंगे तो कोरोना जल्दी जाएगा। चंद्रेश गर्ग संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। चंद्रेश, क्या हालात इस वक्त ग्वालियर के, और ग्वालियर में किस तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, क्या तस्वीर है इस वक्त? अभी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है जिसमें सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, कलेक्टर सहित तमाम सारे पुलिस वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक में अभी तय किया गया है कि 15 तारीख से 7 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। यानी लॉकडाउन वहां पर भी अब लगने जा रहा है, इसको लेकर आप बताइए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, कुछ सोचा उन्होंने? कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कही जा रही है, पूरे ही ग्वालियर को लॉक करने की बात हुई है? पूरा ग्वालियर को ही लॉक करने की बात हुई है। हालांकि कल से ही कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सारे धार्मिक संस्थान, वो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे सभी को बंद कर दिया है, केवल यहाँ पुजारी ही पूजा कर पाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ बातचीत हो रही है वहाँ, लोगों के जहन में क्या कुछ है, क्या खौफ है, डर है कोरोना से? खौफ बहुत ज्यादा है, जिस तरह से कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कल 576 मरीज यहाँ ग्वालियर में आइडेंटिफाई हुए, इसके साथ ही 9 लोगों की डेथ हुई। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से मरीजों को पलंग नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन की कमी है। मेरी अभी एक नर्सिंग होम संचालक से बात हुई थी तो उनका कहना था जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहले हमें 300 रुपए का मिलता था, वो 550 रुपए का एजेंसी से कर दिया है। तो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं प्रदेश में, और ग्वालियर में भी कुछ स्थिति ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया चंद्रेश जानकारी देने के लिए। देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक यहाँ ग्वालियर में हुई, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे भी 15 तारीख से लॉकडाउन रहेगा, और जो धर्मस्थल हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, मस्जिद हैं, वहाँ पर भी लॉक करने की बात कही जा रही है। वैसे में जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी परेशान करने वाले हैं, लोगों में डर है, खौफ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की वजह से पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो कुछ लोग असामाजिक तत्वों में गिने जा रहे हैं जो मास्क की अहमियत नहीं समझ रहे या जानबूझकर मास्क नहीं लगाना चाह रहे हैं। किस तरह की इनकी सोच, किस तरह का उनका बर्ताव, और वो खुद तो कोरोना को अपने संपर्क में ला रहे हैं, उसके अलावा वो अपने घर तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितनों को और संक्रमित करेंगे, ये अपने आप में डराने वाली बात है। जबलपुर से मनीष संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त मौजूद है। मनीष, क्या कुछ इस वक्त जबलपुर में हालात कोरोना को लेकर, कोई अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि हालात जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। अगर बात करूं कल की, तो कल 552 मरीज नए सामने आए हैं कोरोना के, और जिस तरह से शहर में अभी माहौल देखा जा रहा है, माहौल भी मतलब लोग अभी भी वैसे सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अभी जो दुकानें जो खुलती हैं किराना की और अपने फल फूल, और तो बहुत ज्यादा भीड़ मच रही है, जिससे कोरोना संक्रमण को रोक पाना मुझे नहीं लगता संभव है। अभी प्रशासन को और सख्त होना बहुत जरूरी है, जिस तरह से मरीज फैल बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और अभी और सख्त होना ही पड़ेगा प्रशासन को, और कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ेंगी जिससे लोग घर से कम बाहर निकलें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मंडियों में भीड़ है, जैसे कि मनीष हमें जानकारी दे रहे थे, और प्रशासन को अभी और सख्ती करनी होगी, क्योंकि अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार बेकाबू हो गई है। इस दौरान दमोह को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में सरकार सख्ती बरत रही है। 2 दिन के प्रदेशव्यापी लॉकडाउन के बाद कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, तो कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन उपचुनाव के चलते दमोह में कलेक्टर ने
ना तो लॉकडाउन लगाया और ना ही सख्ती बढ़ाई। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए हिनौता कला गांव के लोगों ने खुद ही जागरूकता दिखाई और खुद ही लॉकडाउन कर लिया। हिनौता गांव हटा से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर है। व्यापारियों और ग्रामीणों ने आपसी सहमति से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया, जो कि सफल भी रहा। इसके बाद फिर से 5 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। ग्रामीणों ने बाजार बंद कर खुद को घरों में लॉक कर लिया। ग्रामीण प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं। हिनौता में करीब 25 लोग संक्रमित हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन प्रशासन आंकड़े छुपा रहा है। लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल हिनौता के लोगों ने अपने गाँव में 16 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हिनौता में चालू है, उप स्वास्थ्य केंद्र हिनौता कला में, और जो ये बंद है इसको लॉकडाउन को 2 दिन जो रखा गया था उसकी अवधि पूर्ण होने के बाद में 5 दिन के लिए और बढ़ाया गया है, क्योंकि जो संक्रमण के जो नए केस हैं वो मिलते जा रहे हैं और कैजुअलिटी भी बढ़ रही है। इसीलिए इस सबको ध्यान में रखते हुए ग्रामवासी एवं व्यापारी संघ द्वारा ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि अभी 5 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए स्वैच्छिक, क्योंकि अभी प्रशासन के ऊपर हम जिम्मेवारी अपनी नहीं थोप सकते हैं। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सुरक्षित, हमारा गांव सुरक्षित, तो सभी सुरक्षित रहेंगे। और सभी से तो जनता को अपनी जान की परवाह है, जनता अनुशासन में रहना चाहती है। कल इसी अनुशासन शब्द को बार बार कोट किया जा रहा था और ये दमोह की जनता ने दिखा दिया, हिनौता गांव की जनता ने दिखा दिया। रविकांत संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये अच्छी बात है कि आप राजनेता कुछ भी करिए, लेकिन जनता समझदार है, जनता समझ रही है कि कोरोना को लेकर उन्हें किस तरह की चीजों का पालन करना चाहिए। और आप ना लगाइए लॉकडाउन, लेकिन जनता ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। ये बताता है कि राजनेता और सियासत और सियासतदान की बातों में अब पब्लिक नहीं आती। रविकांत जी, बिल्कुल पारुल जी, कोरोना से मचे कोहराम के बीच दमोह छोड़कर पूरे MP में लॉकडाउन और सख्ती दिखाई दे रही है, लेकिन दमोह उपचुनाव में व्यस्त है। इस वजह से दमोह जिले की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है, जिससे हटा मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर ग्राम हिनौता कला के लोगों ने, व्यापारियों ने जागरूक होकर स्वयं ही शनिवार और रविवार का लॉकडाउन रखा था, जिसके गंभीर केसों मतलब 25 से 30 केस वहां पर अभी पॉजिटिव हैं। इसको देखते हुए फिर से ग्रामीणों और व्यापारी संघ की बैठक में फिर निर्णय लिया कि 5 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। इस वजह से 16 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यानी अब दमोह में प्रशासन का नहीं, जनता का वाकई राज है, क्योंकि जनतंत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों ने खुद अपनी स्वेच्छा से शनिवार और रविवार का लॉक किया और अब फिर से एक बार लॉकडाउन लगाने की जनता ने तैयारी कर ली है। खैर, बहुत शुक्रिया रविकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की खबरें थी, लेकिन उसके अलावा चर्चा यही हो रही थी कि दमोह क्यों अछूता है, वहाँ पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। लेकिन साहब, जनता वहाँ की बड़ी जागरूक है। हिनौता गाँव की जनता ने दिखा दिया कि आप भले ही करते रहिए राजनीतिक रैलियां, कितनी भी भीड़ बुला लीजिए, लेकिन जनता ने अगर ठान लिया है कि वो कोरोना को उस जगह से भगाएगी, तो उसने दिखा भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के कारण बालाघाट में भी 22 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसमें किराना दुकान वालों को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति है। लेकिन गुजरी बाजार के पास किराना व्यवसायी गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकान खोलकर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए 5 किराना दुकानों को सील कर दिया, जबकि 2 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। मामले में तहसीलदार का कहना है कि जो भी व्यक्ति या व्यापारी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि कल से जो लॉकडाउन की अवधि है 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और बहुत सारी गाइडलाइन कलेक्टर महोदय के द्वारा कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जारी किया गया। उसमें एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन थी कि जो किराना दुकानें हैं जहाँ से राशनों की सप्लाई होती है, वो केवल होम डिलीवरी के माध्यम से सप्लाई की जाएगी। किंतु आज हमको देखने में आया, गुजरी बाजार के पास जो खान डॉक्टर की गली में कुछ बड़े किराना व्यवसायी हैं, उनके द्वारा सुबह से अपने किराना दुकानों को खोलकर भीड़ लगाकर वहाँ पर लोगों को विक्रय किया जा रहा था। इसकी शिकायत भी प्राप्त हुई थी कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन की दोनों की टीम वहाँ पर पहुँची और जो शिकायत की गई थी वो सही पाया गया, और पूर्व वाले लॉकडाउन में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा इस तरह की हरकतें बार बार की जा रही है। तो जो कानून है उसमें कि अगर गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो दुकानों को सील कर दिया जाएगा। तो हमने आज मनोज किराना, सिया किराना स्टोर्स और साजन दास प्रोविजन आदि 4-5 दुकानें जो हैं वो हमने सील कर दिया, और आगामी 22 अप्रैल तक लगातार सील रहेंगी। साथ ही 2 दुकानदारों के खिलाफ हम FIR भी दर्ज कराने जा रहे हैं,
और इस कार्रवाई के माध्यम से हम दुकानदारों को सूचित करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके द्वारा लॉकडाउन की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, प्रशासन बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करेगा और इसमें FIR भी दर्ज कराई जाएगी। सर, देखा जा रहा है कि भरवेले में कुछ कुछ कपड़े व्यवसाय भी खुले हुए हैं, किराना वाले भी भीड़ लगा रहे हैं, तो इनमें क्या कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें भी अब थाना प्रभारी को से मेरी बात हुई है, उनको मैंने बताया भी है कि लॉकडाउन या नहीं लॉकडाउन, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और इसमें कुछ थाना प्रभारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, क्योंकि तहसीलदार या नायब तहसीलदार हर जगह पर नहीं पहुंच सकता है, इसलिए वो रेवेन्यू के वहां की जो टीम है, मतलब पटवारी है या सचिव, उनके साथ मिलकर इसको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें तो आसानी से रुक सकता है। केवल उनको मना करने की बात है कि अब मना कर देंगे तो रुक जाएगा वो। सर, शाम को भी भरवेली में देखा जाता है कि भीड़ लगाकर लोग आवागमन भी करते हैं, भीड़ लगाकर रहते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखिए, प्रशासन के पास एक सीमित संसाधन है, पुलिस के पास भी सीमित संसाधन है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इस तरह की कार्रवाइयां को रोकना संभव नहीं हो पाएगा, और संक्रमण तो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन अपने स्तर से बहुत हद तक प्रयास कर रहा है और लगातार हमारी टीम शहरों में घूम रही है, ग्रामों में भी एक्टिव है, हमारे पटवारी एक्टिव हैं, सचिव एक्टिव हैं, ग्राम कोटवार शादियों के स्थलों पर पहुंचकर उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो ये प्रशासन और जनता जब तक इस साथ में मिलकर नहीं चलेंगे तब तक हम संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। लोगों का भी दायित्व है जागरूक होकर नियमों का पालन कर कोरोना की रोकथाम में मदद करें। तो बालाघाट में सख्ती दिखाई प्रशासन ने, जो किराना दुकान थी जो खुली हुई थी, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही थी, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही थी, उन दुकानों को सील किया गया, व्यापारियों को भी समझाइश दी गई। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को जून तक टाल दिया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल जबकि 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से आयोजित की जानी थी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, जिस तरह से प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए परीक्षाएं अभी करा पाना असंभव था। हालांकि 17 अप्रैल से होने वाले प्रैक्टिकल की परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया गया है। छात्र प्रैक्टिकल परीक्षाएं अपनी सुविधा के अनुसार 15 मई तक दे सकेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार कक्षा 1 से लेकर 8 तक छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही आदेश जारी कर चुका है। 7वीं 8वीं तक के स्कूलों को 15 जून तक बंद करने का भी फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड 9वीं और 11वीं के छात्र घर बैठकर अब परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें उत्तर पुस्तिका मेल के जरिए भेजी जाएगी, जिसका प्रिंट निकालकर लिखने के बाद वो नजदीकी सेंटर पर जमा कर सकेंगे। आज की कोविड की जो स्थिति को देखते हुए हमने जो 30 अप्रैल से हमारी परीक्षाएं बोर्ड की प्रारंभ होने वाली थी, उसको आगे बढ़ाने का हम निर्णय करने जा रहे हैं। अगली तारीख हम फाइनल करके 2-3 दिन में हम पूरा प्रोग्राम जारी कर देंगे। संभावना कब तक? संभावना उसकी ये है कि 30 मई के बाद ही परीक्षा हम करा पाएंगे। आज की कोविड की जो स्थिति को देखते हुए हमने जो 30 तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब बोर्ड की परीक्षाएं यानी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। अभी तक 1 मई से शुरू होने वाली थी 12वीं की परीक्षाएं, लेकिन अब उन्हें बढ़ाया जाएगा, आगे की तारीख नहीं दी गई है। हालांकि जो प्रैक्टिकल है उसको अपने सुविधा के अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं वो दे सकेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।